कोर्ट में एक अजीब मुकदमा आया। कोर्ट में एक अजीब मुकदमा आया। एक सिपाही एक कुत्ते को बांध कर लाया। एक सिपाही एक कुत्ते को बांध कर लाया। सिपाही ने जब कटघरे में आकर कुत्ता खोला। कुत्ता रहा चुपचाप, मुंह से कुछ ना बोला। कुत्ता रहा चुपचाप, मुंह से कुछ ना बोला। नुकीले दांतों में खून सा नजर आ रहा था। नुकीले दांतों में खून सा नजर आ रहा था। चुपचाप था कुत्ता, किसी से नजर ना मिला रहा था। चुपचाप था कुत्ता, किसी से नजर ना मिला रहा था। फिर खड़ा हुआ एक वकील, देने लगा दलील। फिर खड़ा हुआ एक वकील देने लगा दलील। बोला, इस जालिम के कर्मों से यहाँ मची तबाही है। इसके कामों को देखकर इंसानियत घबराई है। ये क्रूर है, ये निर्दयी है। दो दिन पहले जन्मी एक कन्या अपने दांतों से खाई है। अब न देखो किसी की बात, आदेश करके उतारो इसे मौत के घाट। जज की आंखें हो गई लाल। बोला, तूने क्यों खाई कन्या, जल्दी बोल डाल। तुझे बोलने का मौका नहीं देना चाहता, लेकिन मजबूरी है, वरना अब तक तो तू फांसी पलट का पाता। जज साहब इसे जिंदा मत रहने दो। कुत्ते का वकील बोला, लेकिन इसे कुछ तो कहने दो। फिर कुत्ते ने मुंह खोला और धीरे से बोला, हाँ, मैंने वो कन्या खाई है, अपनी कुत्तानियत निभाई है। कुत्ते का धर्म है ना दया दिखाना, मांस चाहे किसी का हो देखते ही खा जाना। पर मैं दया धर्म से दूर नहीं। खाए तो है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे आज भी याद है जब वो लड़की मैंने कूड़े के ढेर में पाई थी, और कोई नहीं, उसकी माँ ही उसे फेंकने आई थी। जब मैं गया उस लड़की के पास, उसकी आंखों में देखा एक भोला विश्वास। जब वो मेरी जीभ देखकर मुस्कुराई थी, कुत्ता हूँ मगर उसने मेरे अंदर इंसानियत जगाई थी। मैंने सूंघ कर उसके कपड़े, वो घर खोजा था जहाँ उसकी माँ थी और बापू भी सोया था। मैंने कूकू करके उसकी माँ जगाई। पूछा, तू क्यों फेंक कर आई उस कन्या को, चल मेरे साथ उसे लेके आ। भूखी है वो उसे अपना दूध पिला। माँ सुनते ही रोने लगी, अपने दिल के दुखे को सुनाने लगी। बोली कैसे लाऊं अपने कलेजे के टुकड़े को। तू सुन तुझे बताती हूँ अपने दिल के दुखड़े को। मेरे पास पहले से ही चार छोरियां हैं, दो को बुखार है, दो चटाई पर सो रही हैं। मेरी सास मारती है मुझे तानों की मार, मुझे ही पीटता है मेरा भर। बोला, फिर से तू लड़की ले आई, कैसे जाएंगी ये सारी ब्याही। बंस की तो तूने काट दी बेल, जा खत्म कर दे इसका खेल। माँ हूँ लेकिन थी मेरी लाचारी, इसलिए फेंक कर आई अपनी बिटिया प्यारी।
कुत्ते का गला भर गया। कुत्ते का गला भर आया लेकिन वो अपने बयान पूरे बोल गया। मैं फिर उल्टा आ गया, मेरे दिमाग पर धुआं सा छा गया। वो लड़की अपना अंगूठा चूस रही थी, जैसे मेरी बाट में ही जग रही थी। कलेजे पर मैंने भी रख लिया था पत्थर, फिर भी कांप रहा था मैं थर थर। कलेजे पर मैंने भी रख लिया था पत्थर, फिर भी कांप रहा था मैं थर थर। मैं बोला, अरे बावली जीकर क्या करेगी, अरे बावली जीकर क्या करेगी, यहाँ तेरे लिए दूध नहीं हर जगह जहर है, पीकर क्या करेगी। अरे बावली जीकर क्या करेगी, यहाँ तेरे लिए दूध नहीं हर जगह जहर है, पीकर क्या करेगी, पीकर क्या करेगी। हम कुत्तों को तो करते हो बदनाम, हम कुत्तों को तो करते हो बदनाम, लेकिन हमसे भी घिनौने करते हो काम। हम कुत्तों को तो करते हो बदनाम, लेकिन हमसे भी घिनौने करते हो काम। जिंदा लड़की को पेट में मरवाते हो, जिंदा लड़कियों को पेट में मरवाते हो और खुद को इंसान कहलवाते हो। मेरे मन में डर कर गई उसकी मुस्कान। अब कुत्ता बोलता है, क्या बोलता है। मेरे मन में डर कर गई उसकी मुस्कान, लेकिन मैंने इतना था लिया जान। जो समाज इससे नफरत करता है, जो समाज इससे नफरत करता है, कन्या हत्या जैसा घिनौना अपराध करता है, वहां से तो इसका मर जाना ही अच्छा है, वहां से तो इसका चला जाना ही अच्छा है। तुम लटकाओ मुझे फांसी चाहे मारो जूते, अरे तुम लटकाओ मुझे फांसी चाहे मारो जूते, लेकिन ढूंढ के लाओ पहले वो इंसानी कुत्ते हैं।